लर्निंग विद डिफरेंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 16 दिसंबर की स्कूल प्रार्थना सभा के लिए हिंदी समाचार। सबसे पहले राष्ट्रीय समाचार। पारंपरिक भारतीय ज्ञान से अब नई पीढ़ी नहीं रहेगी वंचित। छात्रों को अनिवार्य रूप से करना होगा वैल्यू एडिड कोर्स। दिल्ली एयरपोर्ट पर तैनात होंगे 1400 अतिरिक्त CISF जवान। भीड़ से निपटने और स्थायी समाधान के लिए हुई बैठक। अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। तवांग में संघर्ष के बाद ड्रैगन को भारत का कड़ा संदेश। IAF एक्सरसाइज तवांग में LAC पर चीन से जारी तनाव के बीच वायुसेना का बड़ा युद्धाभ्यास। राफेल और सुखोई शामिल। चुनावी बॉन्ड स्कीम के खिलाफ दायर PIL पर सुप्रीम कोर्ट में जनवरी के आखिरी हफ्ते में होगी सुनवाई। जी मेन नोटिफिकेशन आउट। JEE मेन 2023 की अधिसूचना जारी। जनवरी में होगी परीक्षा। आवेदन हुआ शुरू। सरकार ने 84 ऑनलाइन चैनलों को किया बैन। 5 टीवी चैनलों पर भी लगा अस्थायी प्रतिबंध। डसॉल्ट रिलायंस के नागपुर स्थित प्लांट में तैयार हो रहे 5 पुर्जे राफेल जेट में जोड़े जाएंगे। विजय दिवस कार्यक्रम में पहुंचे राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। सरकार ने कहा चुनाव बड़े बजट का मामला। एक साथ चुनाव कराने से पैसे की बचत होगी। देश की अदालतों में लंबित मामले 5 करोड़ के करीब। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू। और अब समाचार अंतर्राष्ट्रीय। सऊदी अरब के लिए जासूसी करने के आरोप में ट्विटर के एक पूर्व कर्मचारी को सजा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार शाम संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में नाम लिए बिना चीन को आड़े हाथों लिया। जनरल बाजवा ने पाकिस्तान के साथ वो किया है जो कोई दुश्मन नहीं कर सका। इमरान खान। ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शन से जुड़े UN के प्रस्ताव पर भारत ने वोटिंग में नहीं लिया हिस्सा। भारत की पाकिस्तान को दो टूक। ओसामा की मेजबानी करने वालों को उपदेश का हक नहीं। चीन ने राजनयिकों को ब्रिटेन से वापस बुलाया। मैनचेस्टर हिंसा को लेकर उठाया कदम। वैश्विक महिला अधिकार निकाय से बाहर निकाला गया ईरान। अमेरिका के प्रस्ताव पर हुई वोटिंग। नीरव मोदी को भारत लाने का रास्ता साफ। प्रत्यर्पण के खिलाफ ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट जाने की अपील खारिज। और अब खेल संबंधित समाचार। राहुल द्रविड़ ने की विराट कोहली की जमकर तारीफ। बताई उनकी सबसे बड़ी खूबी जिसकी दुनिया देती है दाद। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश फर्स्ट टेस्ट Day 2। भारत ने दूसरे दिन ही कसा शिकंजा। 271 रन की बढ़त पर बांग्लादेश के 8 विकेट गिरे। अनुबंध में प्रमोशन की खबरों के बीच कैप ने शुभमन गिल को लेकर उठाया बड़ा सवाल। और अब समाचार बिजनेस संबंधित। घरेलू शेयर बाजार में भारी बिकवाली। सेंसेक्स 878 अंक टूटा। निफ्टी 18,500 के नीचे। 370,000 पेंशनरों ने चेहरा प्रमाणीकरण तकनीक से जमा किए जीवन प्रमाण पत्र। केंद्र ने दी जानकारी। Tier 3 शहरों के लिए हवाई संपर्क पर ध्यान दे रही सरकार, बोले नागर विमानन मंत्री सिंधिया। खाद्य तेल का आयात 34% बढ़कर 15.29 टन हुआ। करंट अकाउंट डिफिसिट 9 साल के उच्च स्तर पर पहुंच सकता है चालू खाता घाटा। आयात बिल कम करने में मदद मिलेगी। इराक को पीछे छोड़ रूस पहली बार बना भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्ति करता। भारत की अध्यक्षता में कर्ज राहत, क्रिप्टो व जलवायु क्षेत्र में प्रगति करेगा G20, बोली गीता गोपीनाथ। और समाचार में बस इतना ही। धन्यवाद।